भव्य 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव प्रतिदिन कन्या पाद पूजन एवं कन्या भोज स्थान हरिहरानंद आश्रम शिव दुर्गा मंदिर वृंदावन कॉलोनी इंदौर आयोजक निखिल सोनी नगर मंत्री भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर में बढ़ती लूटपाट की घटना को लेकर अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा एक सफलतम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग के साथ नशे की लत को लेकर दो बदमाशों ने चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल नशे को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी मुद्दा उठाती नजर आ रही हैं। दूसरी ओर बढ़ते नशे के कारण युवाओं द्वारा अपराधी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है और इसी के तहत अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बुजुर्ग को निशाना बनाते हुए वहां पर सवार दो बदमाशों ने चैन लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नितिन अहिरवार नामक युवक को पकड़ा, जबकि उसके ही साथी के साथ वह फरार था, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवाओं द्वारा नशे की लत के कारण लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिससे वह अपने नशे की लत को पूरी कर सके। अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, नितिन पिता लालचंद अहिरवार निवासी अपने रुस्तम के बगीचे का रहने वाला। अभी पूछताछ चल रही है और भी एक और साथी है उसका, उसकी तलाश करनी। सर, आपके से कितने का मशरूम बरामद हुआ है और क्या मतलब क्या अपना शौक पूरा करने के लिए वारदात करता था, ये कैसे रेकी करता था? ये नशे के लिए करते थे, जो भी मिल जाता रास्ते में नशे के लिए करते थे। रुस्तम के बगीचे नहीं, जो भी मिल जाता है उनको कर देते हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप। टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।